ओम श्री गणेशाय नमः। इस विशाल सृष्टि में मानव ऐसा प्राणी है जिसमें विवेक का प्राधान्य होता है। अपने विवेक के माध्यम से उसने अनेक प्रकार के उद्यम करके वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति की है। इस उन्नति का लक्ष्य जीवन को सुखी बनाना है। सुख प्राप्त करने की उसकी यह अभिलाषा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जब सुख के साधन केवल भौतिक सुखों तक ही सीमित रह जाते हैं तो धीरे धीरे स्वार्थ और स्व की भावना बढ़ने से मनुष्य दूसरों के हित अहित की चिंता किए बिना अपने ही सुख साधनों को बढ़ाने में जुड़ जाता है। इससे समाज के साधनहीन वर्ग निरंतर शोषण की चक्की में पिसने लगते हैं। समाज में असंतुलन उत्पन्न होने और शोषण बढ़ने से असंतोष, अराजकता एवं अनेक टिकाओं को बल मिलता है। प्रकृति भी इस मानवीय शोषण का शिकार होती है और अंततः इससे प्राकृतिक आपदाएं भी आने लगती है। मानव का पूर्ण और प्राकृतिक जीवन केवल लिप्सा भोग और कामनाओं के जाल में गिर जाता है। इससे मानवता के समर्थक दुख पाते हैं। लेकिन इसका एक पक्ष और भी है कि निजी स्वार्थ से उठकर कुछ लोग मानवता की भलाई में ही अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। परहित का अर्थ परहित दो शब्दों के योग से बनता है। परहित पर का अर्थ है अपनों से अतिरिक्त कोई भी दूसरा तथा हित का अर्थ है भलाई। अतः इस शब्द का अर्थ है दूसरों की भलाई। दूसरों का अर्थ है वे लोग जो हमारे अपने नहीं है, जिनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। कभी कभी हम अपने नाते रिश्ते के लोगों प्रति भी करुणा की भावना रखकर उनका हित करते हैं, लेकिन अपने प्रियजन परिजन नाते रिश्तेदार का हित करना वास्तव में मनुष्य का नैतिक कर्तव्य होता है। इसे सहायता रूप में जाना जा सकता है। इसका भी महत्व होता है और यह सदकर्म है, मानवीयता है और मानव का धर्म भी है। लेकिन परहित इससे भिन्न अर्थ संकलित करता है। जब अपने हित अहित लाभ हानि का ध्यान रखे बिना दूसरे लोगों का हित उनकी भलाई की जाती है तो यही कर्म परहित कहलाता है। परहित करने वाला व्यक्ति परोपकारी होता है। सभी प्रकार की कामनाओं और इच्छाओं को त्याग कर ही वह दूसरों की सेवा करता है। भारतीय संस्कृति में पाप और पुण्य की चर्चा भी होती है। व्यवहार और चरित्र के धरातल पर ये दो मूल्य माने जाते हैं। अपना हित सोचना मानव का कर्तव्य है और धर्म भी। लेकिन अपने हित के कार्यों को इस प्रकार करना कि दूसरों को किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े, यह उससे भी श्रेष्ठ कर्म है। इनके अतिरिक्त तीसरा पक्ष भी है। अपने हित अहित की चिंता किए बिना जब कोई मानव दूसरों की सेवा या सहायता करता है तो यह श्रेष्ठ कर्म परहित होता है। विश्व इतिहास और साहित्य में इस प्रकार के अनेक चरित्र हुए हैं जिनमें ईसा मसीह, बुद्ध, गांधी, नानक, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाषा आदि महान व्यक्तित्व है। इन महान चरित्रों में यही समानता देखी जाती है कि इसके कार्यों से लोगों को पीड़ा और दुख से मुक्ति मिली, तभी वे सुख और बड़े हैं। परहित और जीवन की बात करें तो मनुष्य का अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और संतान की सेवा करना सबसे प्रथम कर्तव्य है। यथा योग्य इनका भरण पोषण उसका धर्म बन जाता है। उसके कर्तव्य की सीमा यही तक सीमित नहीं रहती है, अपितु अपने संग संबंधियों के प्रति भी उसका कुछ कर्तव्य होता है। यही तो कवह सीमित नहीं रहता, उसी समाज के प्रति भी उत्तरदायी बनना होता है। समाज के साथ ही देश और अंत विश्व के प्रति वह किसी न किसी रूप में जवाबदेही बनता है। वर्तमान विश्व में आज जो अराजकता, अनैतिकता, हिंसा, उग्रवाद, प्राकृतिक आपदाएं तथा युद्ध का जो संकट छाया हुआ है, उसके मूल में परहित की अपेक्षा स्वहित को ही कर्म माना गया है। आज का स्वार्थी और लिप्सा में डूबा हुआ व्यक्ति दूसरों का शोषण कर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में डूबा हुआ है। छोटी छोटी बातें के लिए, क्षुद्र स्वार्थ के लिए हत्या कर देना साधारण सी बात मानी गई है।
सामाजिक संतोष प्रदर्शन, आगजनी, हड़ताल, घेराव आदि शब्द इस व्यवस्था में उपजे हुए हैं। मनुष्य विवेकशील होने के साथ साथ संवेदनशील होता है। अन्य जीवधारियों से उसे यह तथ्य अलग कर देती है। पशु में भी भूख काम की भावना होती है। इनकी पूर्ति के लिए उसे कोई भी बंधन, नियम और व्यवस्था को नहीं समझना पड़ता। मानव की सामाजिक भावना उसे व्यवस्था में बांधती है। अतएव परहित ही वह आधार है जो सबके ही सुख का कारण होता है।